Good morning all. Welcome back in my ITCN channel. And today's topic is how to create a blank presentations, how to use bulletin template, save kaise karenge, text kaise dalenge, how to add a text, close kaise karte hain, open kaise karte hain, exit kaise karte hain PowerPoint se. Ye sare ke sare jo basic cheeze hain is video mein hum discuss karne wale hain. To chaliye start karte hain. देखिए इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि क्रिएट कैसे करेंगे हम. तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए, पावर पॉइंट को ओपन कीजिए और ओपन करते ही आपके सामने इस तरीके से कुछ टेम्पलेट और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आएगा. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए दीज आर द स्टेप्स ऑन द स्क्रीन. आप स्टेप्स को देखिए और स्टेप्स को फॉलो करके ही हम ब्लैंक का यूज करेंगे. अब जैसे प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं तो इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, ये ओपन हो गया और इस तरीके से आपका एक ब्लैंक पावर पॉइंट क्रिएट हो गया. बेसिक चीजें देखिए, इन दो टेक्स्ट बॉक्स को बोलते हैं हम लोग प्लेस होल्डर. यहाँ पे टाइटल और सब टाइटल आप डाल सकते हैं जो भी आपका टॉपिक है. आप कलर से ऐड कर सकते हैं यहाँ से. ये तो ही ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात. दूसरा तरीका ये है कि बिल्ट इन टेम्पलेट में आपको बनाना है. तो बिल्ट इन टेम्पलेट में कैसे बनाएंगे, दूसरा ऑप्शन ये है कि बिल्ट इन टेम्पलेट में कैसे बनाएंगे. तो बिल्ट इन टेम्पलेट के लिए देखिए टेम्पलेट देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक में क्लिक कर लीजिए जो भी आपको पसंद है क्रिएट, और देखिए ये आपके सामने आ चुका है. तो इस तरीके से आपको कुछ ऐड करना है, कोई टॉपिक लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं. तो सोचिए आपने कुछ भी लिख दिया, सोचिए पावर पॉइंट लिख देता हूँ मैं, पावर पॉइंट. ठीक है, पावर पॉइंट. अब मैं क्या करूँगा, मुझे सेव करना है अब नाउ. तो देखिए बिल्ट इन टेम्पलेट को बनाने के लिए जो स्टेप्स मैं फॉलो किए, दिस इज ऑन योर स्क्रीन. ये देखिए इन स्टेप्स को फॉलो किया हम लोगों ने. उसके बाद था सेविंग अ प्रेजेंटेशन. आप सेव कैसे करेंगे, सेव का मतलब है कि आप आगे चल के इसको आप देखना चाहते हैं, जो भी डेटा है सेव रहेगा. अगर हम सेव नहीं करेंगे तो अभी अगर कट कर देंगे तो लॉस हो जाएगा आपका डेटा. तो लॉस से बचने के लिए तो सबसे पहले देखिए सेव करने के दो तरीके हैं यहाँ पर. ये शॉर्टकट आपको एक एक्सेस टूल बार में शॉर्टकट देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, ये जो सेव है, सेव बटन, इस पर क्लिक कर लीजिए ऐसे. तो फिर आपका यहाँ से सेव ऑप्शन आ जाएगा कि आपको सेव कहाँ करना है, तो लॉस हो जाइए. और दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट फाइल टैब में जाएं और यहाँ से सेव करें, फिर आपको ये ऑप्शन मिलेगा. तो आप सेव कर लीजिए. डेस्कटॉप में जाता हूँ मैं और पावर पॉइंट को मैं यहाँ पर पावर वन कर देता हूँ. ठीक है, पावर नाम से है तो पावर वन कर देता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे सेव कर देते हैं. तो देखिए ये पावर नाम से सेव हो चुका. सेव करने के लिए दीज आर द स्टेप्स जो हम लोगों ने फॉलो किए. उसके बाद आता है कि सेव विद अ पासवर्ड प्रोटेक्शन. पासवर्ड प्रोटेक्शन का मतलब कि पासवर्ड लगा देना कि कोई दूसरा पर्सन जो है आपके इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के डेटा को ना देख सके. तब सेव करना चाहते हैं कि हर कोई ना देख ले. दैट इज अ वेरी सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसे आप शेयर नहीं कर सकते दूसरों के साथ. ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो सेम है, क्लिक कीजिए इसके ऊपर, फाइल के ऊपर, और अब जाइए सेव एज के ऊपर. क्योंकि आप लोगों ने सेव कर लिया, सेव करेंगे तो फिर से सेव हो जाएगा. तो अगर सेव एज में जाएंगे तो सेम डॉक्यूमेंट डिफरेंट नेम के साथ सेव कर सकते हैं. डेस्कटॉप ही रखते हैं, यहाँ पर पावर टू कर देते हैं और देखिए सेम चीज रहने देते हैं टेक्स्ट. अब यहाँ आते हैं टूल पर. ठीक है, एक टूल दिख रहा है आपको, इस टूल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा जनरल ऑप्शन पे और जनरल ऑप्शन में देखिए पासवर्ड टू ओपन. तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, जो भी आपको पसंद है आप डाल देना. ठीक है, ओके करता हूँ. यहाँ पे फिर से री एंट्री के लिए बोलता है 1 2 3 4 5. अब मैं ओके करता हूँ, सेव करता हूँ और ये पासवर्ड के साथ सेव हो गया. ठीक है, पावर टू पासवर्ड के साथ सेव हुआ है. देखते हैं कि क्या ये पासवर्ड के साथ सेव हुआ है. ये है डॉक्यूमेंट, इसको मैं ओपन करता हूँ. अब देखिए पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड डालता हूँ. अब देखिए ओपन हो गया ये. ठीक है, मेरा बिना पासवर्ड के ये ओपन नहीं होगा. तो इसके लिए दीज आर द स्टेप्स जो हम लोगों ने फॉलो किए हैं. उसके बाद आता है कि पासवर्ड को मॉडिफाई कैसे करें. तो सेम चीज़ें हैं कि आप फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे. ठीक है, और यहाँ पर जाके आप जनरल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से जो है पासवर्ड टू मॉडिफाई में जाएंगे और जो भी आपका दूसरा पासवर्ड होगा उसे आप डाल दीजिए. तो मैं 54321 डालता हूँ, ओके करता हूँ. वो होता है री एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई, फिर से डाल देता हूँ उसी पासवर्ड को, एंटर करता हूँ. ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया. देखते हैं ये इसने पासवर्ड मॉडिफाई किया या नहीं किया. मैं पासवर्ड डालता हूँ चेंज पासवर्ड और देखिए फिर से ही ओपन हो गया. तो इस तरीके से मैं पासवर्ड को मॉडिफाई कर सकता हूँ. एंड दीज आर द स्टेप्स जो हम लोगों ने फॉलो किए हैं इस पासवर्ड को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए. उसके बाद है ऐड टेक्स्ट. देखिए ऐड टेक्स्ट का मतलब है कि किस तरीके से ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट. अभी मैंने पावर पॉइंट को प्लेस होल्डर में पावर पॉइंट टेक्स्ट को टाइप किया है. तो कैसे किया है, दीज आर द स्टेप्स. और इसके बाद कुछ भी आप लिख सकते हैं पावर पॉइंट के अलावा, एनवायरनमेंट. तो इस टेक्स्ट को लिखना कि इसको की बोलते हैं एडिंग टेक्स्ट इन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. सो प्लेस होल्डर में आप कुछ भी लिख सकते हैं. सोचिए मेरा नेक्स्ट मैं लिखता हूँ एनवायरनमेंट, सोचिए तो एनवायरनमेंट के बारे में है. तो इस तरीके से मैं इसमें चीज़ें ऐड कर दी. अब इसके बारे में मैं यहाँ पर लिख दूंगा और इस तरीके से आप उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं ड्रैग करके. ठीक है, ड्रैग कर लीजिए
और इसके ऊपर लिख दीजिए जो भी आपको ऐड करना है। उसके बाद है क्लोजिंग का प्रेजेंटेशन। तो क्लोजिंग का प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, ये आपको 3 ऑप्शंस मिल गए, कट कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर फाइल में जाइए और क्लोज में जाइए, फिर से आपको वही 3 ऑप्शंस मिलते हैं। क्लोज का मतलब क्लोज करना चाहते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स क्लोज के लिए। और उसके बाद देखिए 3 ऑप्शंस है, सेव, ठीक है, डोंट सेव एंड कैंसिल। तो सेव मींस प्रेजेंटेशन सेव एंड देन क्लोज्ड, डोंट सेव मींस यू डोंट वांट टू सेव, द प्रेजेंटेशन इज क्लोज्ड एंड ऑल रिसेंट मॉडिफायर आर लॉस्ट, जो भी आपने चीजें की है वो सारी की सारी चीजें लॉस्ट हो जाएंगी। उसके बाद है नथिंग, मतलब आप इसी जगह रहना चाहते हैं, नथिंग हैपन, यू रिटर्न टू द प्रेजेंटेशन। अब जैसे मैं कैंसिल करूंगा तो यही पे रहेगा, कैंसिल नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। तब क्लोज करने के लिए आप क्लिक कीजिए और डोंट सेव में करता हूँ मैं, तो डोंट सेव कर दिया तो वो क्लोज हो गया। उसके बाद ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन। देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पे जाइए सबसे पहले और पावर पॉइंट 2 पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये ओपन हो गया, पासवर्ड मांग रहा है, एंटर कर दिया, ओपन। दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे पहले आपने प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन कर लिया, और जो है ओपन करते ही मैंने फाइल किया और ओपन किया, कौन सा ओपन करना चाहते हैं, तो ये ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड है इसलिए पासवर्ड मांग रहा है, अगर पासवर्ड नहीं होता तो डायरेक्ट ओपन हो जाता। तो इन दो तरीकों से आप ओपन कर सकते हैं, और दीज आर द स्टेप्स जिसको फॉलो किया हम लोगों ने। उसके बाद एग्जिट फ्रॉम द पावर पॉइंट एप्लीकेशन, बाहर कैसे आएंगे, इस फाइल में आइए और यहाँ पे देखिए एग्जिट और क्लोज ही कर लीजिए, तो इस तरीके से आप बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट जरूर करें, एंड गुड बाय फॉर नाउ।